पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है। क्यों? पंजाब के अंदर बिजली बनती है, पंजाब अपनी बिजली बनाता है, जितनी बिजली पंजाब को चाहिए उससे ज्यादा बिजली पंजाब बनाता है, उसके बावजूद सबसे महंगी बिजली पूरे देश में पंजाब में क्यों मिलती है? दिल्ली में हम बिजली नहीं बनाते, जरा सी भी बिजली नहीं बनती दिल्ली में, सारी बिजली हम दूसरे राज्यों से खरीदते हैं, उसके बावजूद भी पूरे देश में लगभग सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। पंजाब में बिजली महंगी क्यों है? क्योंकि बिजली कंपनियों में और पंजाब के सरकारी सत्ता में गंदी सांठगांठ है, और इस सांठगांठ की, गंदी सांठगांठ की वजह से पंजाब के अंदर बिजली महंगी है। इस सांठगांठ को खत्म करना है, और अगर यह सांठगांठ खत्म हो गई और इन बिजली कंपनियों को हमने ठीक कर दिया, तो जैसे दिल्ली के अंदर सबसे सस्ती बिजली है, वैसे ही पंजाब के अंदर भी सबसे सस्ती बिजली हो सकती है। पिछले एक साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, एक डेढ़ साल से भगवंत मान जी के, चीमा साहब के नेतृत्व के अंदर हमारे एमएलए हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, एक डेढ़ साल से पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं कि बिजली सस्ती करो, बिजली सस्ती करो, बिजली सस्ती करो। कितने धरने करे, कितने प्रदर्शन करे, गांव गांव के अंदर लोगों के बीच में गए, लोगों की समस्याएं सुनी। लोग पंजाब में बहुत दुखी हैं, हर जगह दुखी हैं। अमृतसर में कैंप लगाए, जलंधर हो, बठिंडा हो, लुधियाना हो, पठानकोट हो, ऊपर से ले लो, नीचे से ले लो, हर शहर के लोग बिजली से परेशान हैं। आप पिंडों में चले जाओ, हर पिंड के लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं। उस दिन भगवान जी मुझे बता रहे थे, इनका फोन आया एक दिन मेरे पास, गला रोने का सा बना हुआ था इनका। इन्होंने बताया एक गरीब आदमी, उसके घर में एक पंखा और दो बल्ब, उसके 50,900 रुपए का बिल आया हुआ उसका। वो बेचारा भर नहीं पाया, उसकी बिजली काट के चले गए, अब वो कैसे जिएगा? आज बिना बिजली के कोई आदमी कैसे जी सकता है? और सबसे ज्यादा दुखी महिलाएं हैं। क्यों? एक आदमी नौकरी करता है, बिजनेस करता है, दुकान चलाता है, पूरा महीना कमाता है, कमा के घर आके अपनी बीवी के हाथ में पैसे रख देता है, और पूरा महीना खर्चा अपना घर बीवी को चलाना पड़ता है, महिला को चलाना पड़ता है, हमारी बहन माताओं को चलाना पड़ता है। कई कई घर ऐसे हैं, महिलाओं ने बताया, जी हमारा महीने का आधे से ज्यादा पैसा बिजली के बिल में चला जाता है, अब कहां से खाएंगे, कहां से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे काम चलेगा? सबसे ज्यादा दुखी इस बात से महिलाएं हैं। तो जिस तरह से दिल्ली 2013 में जब पहली बार हम दिल्ली में चुनाव लड़े थे, दिल्ली में भी यही हालत है। लोगों के अनाप शनाप बिजली के बिल आते थे, किसी के 50,000, किसी का 1,00,000, लोग अपने बिजली के बिलों से परेशान थे। उस वक्त की सरकार और बिजली कंपनियों में सांठगांठ थी, जैसे पंजाब में वैसी वहां सांठगांठ थी। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि 6-7 साल की सरकार के बाद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है और सबसे सस्ती बिजली है। अब अपने को यही पंजाब में करना है। पंजाब में सरकार बनेगी तो तीन बड़ी बड़ी चीजें की जाएंगी।
आज मैं तीन घोषणाएं कर रहा हूं। हमारी जो पहली गारंटी है उसमें ये तीन घोषणाएं हैं। पहली घोषणा, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। अब मुझे पता है कुछ पत्रकार कहेंगे दिल्ली में तो 200 देते हो, यहां 300 क्यों पूछोगे ना? तो उसका जवाब है, दिल्ली में हमारा जो स्ट्रक्चर है 200 तक हम फ्री देते हैं और 200 से 400 आधी रेट पे देते हैं। तो उसको हमने यहां पे 300 यूनिट कर दिया। 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। मुझे लगता है हमारी जो हमने कैलकुलेशन की है, पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। जैसे दिल्ली में 73% दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है, पंजाब में लगभग 77 से 80% लोगों का बिजली का बिल जीरो आया करेगा। बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। दूसरा बड़ा ऐलान, तीन ऐलान दूसरा बड़ा ऐलान, जैसा मैंने बताया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अनाप शनाप गलत बिल आए हैं। एक आदमी, गरीब आदमी जिसके घर में एक पंखा दो बल्ब हैं, उसका 50,900 रुपए का बिल कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल गलत है। जानबूझ के गलत बिल भेजे जाते हैं, फिर वो बेचारा ठीक कराने जाता है तो कहते हैं इतने पैसे दे दो तेरा बिल ठीक कर दूंगा। करते हैं नहीं करते हैं? इतने पैसे दे दे, तेरे 50,000 का बिल है, 5,000 रुपए मेरे को दे दे, तेरा बिल खत्म कर दो। कई गांव के अंदर हमारे वॉलंटियर्स गए, कई गांव के अंदर भगवंत साहब, चीमा साहब खुद गए, हमारे एमएलए गए। ऐसे ऐसे गांव हैं जिसमें कई कई हजार रुपए के लोगों का बिल आए, वो भर नहीं पाए, बिजली काट के चले गए। अब बिना बिजली के तो आदमी रह नहीं सकता, सबने कंडी मार रखी है, मजबूरी है, क्या करें, सबने कंडी मार रखी है। सब लोग डर की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे ही हमारा कोई आदमी गांव में घुसा, सब लोगों ने कंडी उतार दी, सब लोग भागने लगे। लोग डर के डर में जी रहे हैं, लोग बेइज्जती की जिंदगी जी रहे हैं। इन सब लोगों को सम्मान की जिंदगी देंगे, इन सब लोगों को इज्जत की जिंदगी देंगे। इसीलिए जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पंजाब में सरप्लस बिजली मिलती है, पंजाब में ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, कम खपत है, उसके बावजूद भी बिजली कट लगते हैं इतने बड़े बड़े, कई कई घंटों तक बिजली नहीं आती, खेती के लिए बिजली नहीं मिलती, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तो ये तीन बड़े बड़े ऐलान हैं, एक हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, दो पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल, और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग, जितने कट गए सबका कनेक्शन बहाल होगा, सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। अब ये जो मैंने कहा ये केजरीवाल की गारंटी है, ये कैप्टन के वादे नहीं है। तो आप पूछोगे कि जी कितने दिन में पूरे कर, उनके वादे तो 5 साल हो गए तब भी पूरे नहीं हुए। जैसे ही सरकार बनेगी पहली कलम से
पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। पहली कलम से पुराने सारे बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन 24 घंटे बिजली देने में टाइम लगेगा। ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर, मेरे को 2.5 साल लगे थे 24 घंटे बिजली, जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना 2015 में दूसरी बार, 2014 की गर्मियां याद है, 7-7, 8-8 घंटे के रात को पावर कट लगा करते थे दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली है, कैसे? मुख्यमंत्री बनने के 2.5 साल तक मैंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके जितनी पुराने तारे थी सब चेंज करवाई, पुराने ट्रांसफार्मर फूके पड़े थे सारे बदलवाए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कराया, सारी लाइनें ठीक कराई, तब जाके दिल्ली के अंदर आज 24 घंटे बिजली मिलती है। तो 24 घंटे बिजली देने में टाइम लगेगा, मुझे लगता है 3 से 4 साल का टाइम लगेगा। 3 से 4 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो 24 घंटे बिजली मिलेगी, 300 यूनिट तक बिजली माफ होगी और पुराने सारे बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। तो सबसे ज्यादा मैं महिलाओं को बधाई देना चाहता हूँ, जिनको अपने घर का घर चलाना होता है, खर्चा चलाना होता है। इसके बाद मैं समझता हूँ कि उनके हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा, जो बिजली के पुराने बिल माफ़ किए जाएंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त की जाएगी, उनके पास पैसा बचेगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगी वो, अपने घर में और सुविधाएं दे सकेंगी वो, और मैं समझता हूँ इससे पूरे पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशहाली आएगी। शुक्रिया।